हमीरपुर विधानसभा में कांग्रेस से भागे हुए युवा नेता कमल पठानिया ने भी चुनावों में आजाद उम्मीदवार की ताल ठोक दी है। राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के जिला संयोजक और कांग्रेस में कई अहम ओहदों पर सेवाएं दे चुके कमल पठानिया ने अपनी जीत का दावा किया है। कमल पठानिया ग्राम पंचायत चमनेहर से दो बार उप प्रधान और दो बार ही प्रधान पद पर काबिज रहे हैं। कमल पठानिया ने कहा कि 22 सालों से लोगों की सेवा करने में जुटे हुए हैं और पूरी उम्मीद है कि हमीरपुर की जनता नए चेहरे को चुनेगी। आजाद प्रत्याशी कमल पठानिया ने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों ने हमीरपुर की जनता दुखी की है, इसलिए इस बार विकल्प के तौर पर चुनाव मैदान में हैं। उन्होंने कहा कि लोगों की सेवा की है, इसलिए जनता का अपार समर्थन मिलने की उम्मीद है। मैंने हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र 38 से जो आजाद उम्मीदवार चुनाव लड़ने का निर्णय लिया, वो इस तरह से सोच है कि मैंने अक्सर देखा, मैं पार्टी में 20-22 साल से काम कर रहा हूं, तो इसमें जो है कि जो अमीर लोग हैं या परिवारवाद के लोग हैं उनको ही पार्टी जो है आगे लेकर आती है, लेकिन पार्टी और संगठन में जो अच्छे लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, नई सोच वाले लोग हैं, उनको ऊपर उभरने का मौका ही नहीं मिलता। तो मैं हर बार इस चीज़ को थोड़ा जज करता हूँ कि ऐसे कैसे चलेगा। फिर मैंने अपने मन को एक दृढ़ निर्णय लिया कि इस बार जो है मैं हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र 38 से जो है वो आज़ाद उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ूंगा, और ताकि लोगों को ये लगे कि हमारे पास जो है एक और विकल्प है, और वो विकल्प जो है वो एक आज़ाद उम्मीदवार में कमल पठानिया के नाम का है। मैंने कांग्रेस पार्टी की सेवा पिछले लगभग 22 साल से कर रहा हूँ। बचपन से ही हमारा परिवार जो था वो पार्टी या संगठन में काम तो नहीं किया, लेकिन मेरे माताजी श्रीमती निर्मला देवी जो हैं वो कांग्रेस पार्टी की हितैषी रहे हैं, और उस समय से ही हम लोग जो हैं कांग्रेस पार्टी के साथ चले हुए हैं और आज तक सेवा करते आए हैं। मैं जो हूँ ग्राम पंचायत चमड़ेड़ में जो है वो मेरी इस बार ये चौथी टर्म है। मैं 10 साल ग्राम पंचायत चमड़ेड़ में उप प्रधान के तौर पे रहा, फिर मैं उसके बाद प्रधान रहा 5 साल। इस बार फिर मैं ग्राम पंचायत चमड़ेड़ में जो प्रधान पद पर जो सीमित हूँ और लोगों के कार्य कर रहा हूँ, और इसी के बीच चलते चलते मैंने जो है 20 साल में बड़े लोगों के साथ काम किया है। बहुत से ऐसे हमारी विधानसभा क्षेत्र में पुराने हमारे प्रधान हैं, उप प्रधान हैं, BDC मेंबर हैं, जिला परिषद हैं, और गांव में काफ़ी कैंप वगैरह भी किए हुए हैं। तो ऐसे लोगों को साथ लेकर जो है मैं इस बार जो है वो चुनाव में जो है आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर उतरा हूँ। क्या मुख्य एजेंडा? देखिए, सरकारें जो हैं वो बड़े काम करती हैं, बड़े बड़े वादे भी करती हैं, लेकिन जो आम गरीब और जो मध्यवर्गीय परिवार हैं उनकी समस्या की ओर जो है कोई ध्यान नहीं देता है। मेरे मुद्दे इस बार जो हैं वो सबसे बड़ा मुद्दा जो मैं पिछले 10 साल से अपने क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र हमीरपुर में, पूरे हिमाचल प्रदेश में देख रहा हूं, जो कि आवारा पशु गायें बैल घूम रहे हैं, तो उनके लिए सरकार जो है कोई भी ऐसा निर्णय नहीं ले पा रही है कि इनसे निवारण लोगों को कैसे किया जाए। तो मेरा यही मुद्दा रहेगा कि अगर मैं विधानसभा क्षेत्र में इस बार चुनाव लड़ता हूँ और लोग मेरा समर्थन करते हैं, तो सबसे पहले जो है मैं जितने भी आवारा पशु विधानसभा क्षेत्र हमीरपुर और देश प्रदेश में घूम रहे हैं उनके लिए पशु आश्रम या पशुशाला बनाकर इकट्ठा करके उनको एक जगह रखा जाए, ताकि किसी भी प्रकार का नुकसान जो है वो हिमाचल प्रदेश के किसानों को, लोगों को, उन जानवरों की वजह से ना हो पाए। कांग्रेस पार्टी मेरे ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं बना सकती है, क्योंकि मैंने इस बार जो था वो जब टिकट के लिए आवेदन किए जा रहे थे तो मैंने आवेदन नहीं किया था, और मेरा पहले से ही मन था, क्योंकि मैं लोगों के बीच में 6 महीने से जा रहा हूँ, तो बीच में मेरे को आता था कि यहाँ से माननीय पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जी चुनाव लड़ते हैं तो उनके साथ आप आज़ाद चुनाव कैसे लड़ पाएंगे। तो अब भगवान ने ऐसा कुछ खेल खेला जिसमें दिखा कि माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जी सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में चले गए, तो उन लोगों से जब मेरी बात दोबारा हुई तो वो बड़े खुश हुए, देखो आपकी बात भगवान ने सुनी। तो उसी को लेकर जो मैं आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। अगर मैं कांग्रेस पार्टी से टिकट भी मांगता तो मेरे को कभी पार्टी मेरे ख्याल से टिकट नहीं देती, क्योंकि गरीब और आम व्यक्ति को जो है किसी का भी सहारा जो पार्टी नहीं बनाती है। कि जिस तरह से मैंने अपना काम किया है, हम दिखावा नहीं करेंगे,
हम जिस तरह से अपनी इन जो 35-37 पंचायतें हमारी विधानसभा क्षेत्र में, उनमें चप्पा चप्पा घूमा मैंने, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि दोनों पार्टियों से दुखी हैं। वो ना कि भाजपा के जो उम्मीदवार खड़े हैं उनको चाहते हैं, ना ही कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उनको चाहते हैं। लोगों की सोच है इस बार कि इस बार विधानसभा हमीरपुर से जो हमने एक नया चेहरा लेके आना है, जो कि क्षेत्र के लिए काम करे, हमारी बात सुने और विकास के मुद्दों को आगे सरकार तक पहुंचाए।